अब एक काम करते हैं, मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूं, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अभी अपन एक चार्ट डिस्कशन कर लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं अपन। किस चीज का रिवीजन? इंडेक्स 12 का रिवीजन कर लेते हैं थ्रू चार्ट्स। अब सर ये आपने चार्ट्स, आपको तो मैंने बता ही दिया, बट पेंट्राइव स्टूडेंट सोच रहा होगा सर ये चार्ट्स आपने कब बनाए, ये तो हमारे सामने बनाए नहीं। हाँ ये मैंने आपके सामने नहीं बनाए हैं, ये मैंने अपने रेगुलर क्लास में चार्ट्स बनाए हैं। तो सर बस फिर हम आपको फोन करने वाले हैं, हम आपको व्हाट्सएप करने वाले हैं, सर ये चार्ट्स भेज दो। बेटा ये चार्ट्स नहीं मिल पाएंगे आपको, अभी फिलहाल इन चार्ट्स पे काम चल रहा है, और ये चार्ट जब बुक फॉर्म में आ जाएंगे तो अपने आप आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। ठीक है, इंड एस 12 के मैंने ये चार्ट बनाया है, अपना एक क्विक रिवीजन होने वाला है इंड एस 12 के चार्ट्स के बेसिस पर। ठीक है, सामने आप देखते जाइए क्या क्या चीजें अवेलेबल है, जिसको मैं जूम करूंगा उस पर आप फोकस करते जाइएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना शुरू किया था? डेफिनेशन। इंड एस 12 का नाम क्या है? हाँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है? सबसे पहले हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? अकाउंटिंग इनकम। आप चाहो तो देख देख के सामने देख सकते हो सामने, ठीक है ना? हाँ बोलो, अकाउंटिंग इनकम क्या होता है? अकाउंटिंग इनकम पीबीटी एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना? दूसरा टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम क्या पढ़ा था आपने? इनकम एज पर टैक्स लॉस। ओके, फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू, असेट एंड लायबिलिटी की बुक वैल्यू। ठीक है, टैक्स बेस का मतलब क्या होता है? टैक्स बेस का मतलब क्या होता है? एज पर टैक्स रिकॉर्ड अगर आपकी कोई असेट और लायबिलिटी की वैल्यू आनी चाहिए। ओके, टेम्पररी डिफरेंस क्या होता है दोनों दो चीजों के बीच का? कौन से दो चीजों के बीच का? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस होता है ना। अच्छा, दोनों में कितने प्रकार के डिफरेंस आते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? टैक्सेबल और डिडक्टेबल। टैक्सेबल डिफरेंस से क्या बनता है और डिडक्टेबल से क्या बनता है? डीटीए। अच्छा, टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? टैक्स एक्सपेंस होता है सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। सम ऑफ करंट टैक्स एंड करंट टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। और डेफर्ड टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन टेम्पररी डिफरेंस। बोलो बेटा क्लियर? चलिए, ये उसका हो गया था डेफिनेशन। अब आते हैं करंट टैक्स पर। हाँ, करंट टैक्स, करंट टैक्स कितने टाइप के होते हैं? करंट टैक्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? करंट टैक्स लायबिलिटी और करंट टैक्स असेट। करंट टैक्स लायबिलिटी में मोस्टली क्या होता है? प्रोविजन फॉर टैक्सेस वगैरह। हाँ, करंट टैक्स लायबिलिटी, करंट टैक्स लायबिलिटी का ध्यान रखना हमेशा। करंट टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो करंट ईयर की भी होती है प्लस प्रीवियस ईयर की भी होती है। वेरी गुड, प्लस प्रीवियस ईयर की भी होती है। बोलो बेटा, ठीक है। अच्छा, करंट टैक्स असेट में क्या क्या आता है? टीडीएस आ गया, एडवांस टैक्स, और आपको याद है कैरी बैकवर्ड। कैरी बैकवर्ड, करंट ईयर के लॉसेस आपने पिछले साल के प्रॉफिट से बैकवर्ड कैरी कर लिए थे, आपको रिफंड मिलेगा, मैंने बताया था। ठीक है, तो कैरी बैकवर्ड भी अगर आ रहा है तो आपको करंट टैक्स असेट का बोला जाता है। अच्छा, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब बनती है? व्हेन टू क्रिएट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, व्हेन टू क्रिएट ऑल टैक्सेबल टेंपरेरी डिफरेंसेस एक्सेप्ट टू। फिलहाल दो, मतलब इनिशियली दो आपने पढ़े थे, याद है कि नहीं? एक्सेप्ट टू। कौन से एक्सेप्ट टू? पहला, गुडविल का इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर का आप कभी भी डिटेल नहीं बनाओगे, याद आ रहा है कि नहीं? और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज विच नीदर अफेक्ट्स, याद आ रहा है ना? विच अदर देन बिजनेस कॉम्बिनेशन विच नीदर अफेक्ट्स अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब परमानेंट डिफरेंसेस थे वो, याद करो वो बेसिकली क्या थे? वो थे परमानेंट डिफरेंसेस, परमानेंट डिफरेंसेस। तो डीटीएल कहां कहां बनता है? एक तो टाइमिंग डिफरेंसेस के नेचर पर, टाइमिंग डेप्रिसिएशन कभी ऊपर मिल रहा है, कभी उधर ज्यादा मिल रहा है, कभी उधर कम मिल रहा है, टाइमिंग डिफरेंसेस। बोलो बेटा कहां डालते हैं वो? पीएनएल में। अच्छा, बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो आप असेट एंड लायबिलिटी को बुक करते हो फेयर वैल्यू पे, उनका टैक्स बेस कुछ और होता है, ठीक है? तो उस पे आपका डीटीए डीटीएल बनता है, बट वो डीटीए डीटीएल किसके थ्रू बनता है? गुडविल कैपिटल रिजर्व के थ्रू बनता है। अरे बोलो। अच्छा, और तीसरा क्या है? असेट्स रिवैल्यूड एट फेयर वैल्यू। आपने अपनी असेट को अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ओसीआई में डाला था, तो आप अपने डीटीए जो आपका डीटीएल आ रहा है वो भी आपका कहां जाएगा? ओसीआई में, अपवर्ड पर। बोलो बेटा क्लियर? ये आपके डीटीएल के हो गए। अच्छा, डीटीए कब बनता है? व्हेन टू क्रिएट डीटीए, डीटीए कब बनता है? डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, जहां पर हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। क्या? किस चीज की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है? फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। बट अगर आपके पास क्या है? नहीं, एक एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट था। अगर आपके पास अनयूज्ड टैक्स लॉसेस या टैक्स क्रेडिट्स रखे हैं, तो उसके केस में आपको वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस चेक करना पड़ेगा। ऐसे केस में चार कंडीशंस थी,
या तो फ्यूचर सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स या तो फ्यूचर सफिशिएंट टेम्पररी टैक्सेबल डिफरेंसेस सेम ईयर के, टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी, या तो आपने कॉजेस आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि आपको इस बार लॉसेस क्यों हुआ, अब वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। याद आ रहा कि नहीं? चार बातें थी। अच्छा, एरियाज ऑफ डीटीए, डीटीए कब कब बनता है? टाइमिंग डिफरेंस पीएनएल में जाएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन फेयर वैल्यू पे आप एसेट और लायबिलिटी से बुक करते हो जबकि उसका टैक्स बेस कुछ और होगा तो आपको वो क्या इफेक्ट करेगा? गुडविल कैपिटल था? बोलो बेटा, रिवोल्यूशन कर रहे हो अगर आप डाउनवर्ड अपनी एसेट का तो वो किसको अफेक्ट करेगा? पीएनएल, क्योंकि रिवोल्यूशन आपका डाउनवर्ड पीएनएल में जाता है। बोलो बेटा। और नेक्स्ट, अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स और लॉसेस चेक वीसीसी। अच्छा, उसके लिए क्या वीसीसी चेक करना है? हाउ टू चेक द प्रोबेबिलिटी, चार कंडीशन। क्या था पहला कंडीशन? क्या है? सफिशिएंट टैक्सेबल टेंपरेरी डिफरेंसेस विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर टू सेट ऑफ द डिडक्टेबल टेंपरेरी डिफरेंसेस। सफिशिएंट टैक्सेबल डिफरेंसेस होना चाहिए। दूसरा क्या था? सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। तीसरा क्या है? आर ड्यू टू आइडेंटिफाइबल कॉजेस विच आर अनलाइकली टू अराइज इन द फ्यूचर। आपने अपने कॉजेस अराइज आइडेंटिफाई कर लिए, अब ये जो लॉसेस हुए हैं ये फ्यूचर में नहीं होने वाले, प्रॉफिट ही होने वाले हैं। और चौथा, एंड्री अ सफिशिएंट टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी टू सेट ऑफ द टेम्पररी डिफरेंसेस। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? अच्छा जी, फिर मेजरमेंट ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स एंड ऑफसेटिंग प्रोविजंस। आप करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को किस रेट पे मेजर करते हो? सब्सटेंशियली इनेक्टेड, जो इनेक्टेड आपका ऑलरेडी हो चुका है, इनेक्टेड और सब्सटेंशियली इनेक्टेड। कल बजट आया था, 25% हो गया कॉर्पोरेट्स के ऊपर, सुनने में आई होगी, सबको मालूम पड़ा होगा। तो क्या मैं 25% करंट टैक्स निकालना शुरू कर दूं क्या? नहीं। क्या वो इनेक्ट हुआ है क्या अभी तक? नहीं, इनेक्ट नहीं हुआ है अभी। इनेक्टेड कौन सा रेट चल रहा है? जो भी रेट चल रहा है उसके ऊपर 30% चल रहा था, मुझे 30% भी करना पड़ेगा। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। ऑफसेटिंग प्रोविजंस, ऑफसेटिंग प्रोविजंस क्या? डीटी रिटेल, सीटीए सीटीएल ऑफसेट हो सकते हैं क्या? ऑफसेट हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ टू कंडीशन। पहला, कौन सी दो कंडीशन थी? लीगल इन्फोर्सिबल राइट होना चाहिए ऑफसेट करने का और इंटेंशन होना चाहिए ऑफसेट करने का। बोलो बेटा, क्लियर? इनेक्टेड के केस में क्या लिखा है? द टैक्स रेट व्हिच इज इनेक्टेड और सिग्निफिकेंटली और सब्सटेंशियली इनेक्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। ओके, अब आते हैं अपन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में टैक्स हॉलीडे पीरियड में कुछ याद आ रहा है? क्या पढ़ा था अपन ने? टैक्स हॉलीडे पीरियड, टैक्स हॉलीडे पीरियड जिस पीरियड में आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, या तो एग्जम्प्ट है या तो 100% डिडक्शन है। तो क्या करो था उस पीरियड में? अगर कोई डीटीए डीटी अगर उस पीरियड में कोई टेंपरेरी डिफरेंस अराइज होता है और उसी पीरियड में रिवर्स होता है तो उस टेंपरेरी डिफरेंस के ऊपर कोई डीटीए डीटीएल नहीं बनेगा। पर अगर अराइज उसी पीरियड में हो रहा है पर रिवर्स हो रहा है वो पीरियड खत्म होने के बाद, तो फिर आपको क्या रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? डीटीए डीटीएल। चलो, ये तो हो गया। फीफो बेसिस अप्लाई करेंगे अगर मान लो सेम टेंपरेरी डिफरेंस हो रहा है तो। अच्छा, शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होता है? एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस आप बुक करते हो पर इनकम टैक्स ने आपको बोल दिया कि हम तो आपको बेनिफिट देंगे वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीट होने के बाद, तो ऐसे केस में क्या मिलेगा? ऐसे केस में डीटीए बनेगा। बोलो बेटा, क्या बनेगा? डीटीए बनेगा, ठीक है। फिर इंडेक्सेशन याद है आपको? इंडेक्सेशन, आपके पास एक लैंड पड़ी हुई है, कैपिटल एसेट पड़ी हुई है, उस पर आपको इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। बोलो बेटा, इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स अगर आपको मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, और आपका इंटेंशन है उसको सेल करने का ही, मतलब आपका इंटेंशन है कि आपको कैपिटल गेन ही अराइज होगा, तो आप डीटीएल बनाओगे उसके सेपरेट रेट के अकॉर्डिंग, जो भी रेट उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। बोलो बेटा, क्योंकि उसका टैक्स बेस हायर होगा ना, टैक्स बेस हायर होगा तो आपको डीटीए बनाना पड़ेगा। सॉरी, मैं डीटीएल बोल गया गलती से। क्या बनाना पड़ेगा? डीटीए। टैक्स बेस ऑफ द एसेट इज हायर, डीटीए इफ इंटेंशन टू सेल। और आपका पीजीबी का रेट नहीं लगेगा, आपका कैपिटल गेन का रेट लगेगा, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एसोसिएट जॉइंट वेंचर। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एसोसिएट जॉइंट वेंचर क्या पढ़ा था अपन ने? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट में भी रीवैल्यूड। अब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो उसको आपने रीवैल्यू किया होगा, पर इनकम टैक्स में तो आपकी वो ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख रहा होगा। अरे, तुमने इन्वेस्टमेंट किया सब्सिडरी में 5 करोड़ रुपए का, एक साल बाद तुमने अपनी सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट रिवैल्यू कर दिया, 5 करोड़ से 5.5 करोड़ कर दिया, क्योंकि तुम्हारी सब्सिडरी ने प्रॉफिट अर्न किया है। याद आ रहा है कि नहीं? पर डिस्ट्रीब्यूट तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको करवाओ चाहे नहीं करवाओ, और टैक्स बेस उसका 5 करोड़ ही दिख रहा है, तुमने कितना कर दिया? 5.5 करोड़। क्या तुम्हारे पास इतनी क्षमता है, कंट्रोल है कि तुम उसके, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, ये तुम कभी रिवर्स होने ही नहीं दोगे? कैसे नहीं होने दोगे? सामने वाले कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करवाओगे? बोलो बेटा, ये टैक्स बेस हमेशा पड़ा ही रहेगा, ये टेम्पररी डिफरेंस हमेशा रखा रहेगा, मतलब परमानेंट होता रहेगा। तो ऐसे केस में अगर तुम्हारे पास कंट्रोल है तो तुम डीटी रिटेल नहीं बनाओगे। याद आ रहा है कि नहीं? तो जनरली कंट्रोल कहां होता है? सब्सिडरी के केस में। तो अगर एसोसिएट का केस होगा तो वहां तुम डीटी रिटेल बनाओगे। देखो क्या लिखा है, सब्सिडरी पैरेंट हैज कंट्रोल, दैट इज पैरेंट कैन कंट्रोल ऑन रिवर्सल।
अगर पेरेंट का रिवर्सल के ऊपर कंट्रोल है तो नो डीटीएल। बोलो बेटा, पेरेंट कैन नॉट कंट्रोल ऑन टाइमिंग ऑफ रिवर्सल तो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, और डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल। जॉइंट वेंचर में डिपेंड करता है कि आपका कंट्रोल है कि नहीं है। बेटा बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, मिसलेनियस प्रोविजन में हमने क्या पढ़ा था, रीअसेसमेंट ऑफ डीटीए एट द ईच बैलेंस शीट डेट बेस्ड ऑन द रिवाइज प्रोबेबिलिटी। हो सकता है आपने एक बैलेंस शीट डेट पर डीटीए नहीं बनाया क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं थी, अरे वो चार कंडीशन वगैरह वो सब नहीं था, बट अगली बैलेंस शीट डेट पर मान लो आपको रीअसेस करना है, आपको फिर से चेक करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी आ गई है क्या फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स की, तो आप वापस से डीटीए बना सकते हो। उल्टा, आपने डीटीए बना लिया था, अब आप फिर से बैलेंस शीट पर चेक करोगे कि रिवर्स तो नहीं हो रहा है, और क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ रिकंसिलेशन। याद है आपको रिकंसिलेशन देते थे दो चीजों का, एक परसेंटेज का रिकंसिलेशन और एक अमाउंट का रिकंसिलेशन। हाँ, रिकंसिलेशन ऑफ टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम विथ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, रिकंसिलेशन ऑफ इफेक्टिव टैक्स रेट विथ एक्चुअल टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट और एक्चुअल टैक्स रेट, याद रख रहे हैं? ठीक है, इफेक्टिव टैक्स रेट मतलब जो भी टैक्स आया आपका डिवाइड बाय अकाउंटिंग इनकम। अच्छा, शॉर्टकट ऑन हाउ टू क्रिएट डीटी डिटेल, भैया ने टेक्निक बताई थी मैंने, बीआरएस टेक्निक बताई थी कि नहीं? अच्छा, असेट कैरिंग अमाउंट लोअर टैक्स बेस हायर, क्या बनेगा डीटीए, ऑलवेज एडजस्ट कैरिंग अमाउंट टू कंफर्म विद द टैक्स बेस, टैक्स बेस को हिलाने की जरूरत नहीं, हमेशा कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करना है। बोलो बेटा क्लियर? क्या यार मस्त सर, आपने बहुत मजा आ गया सर, आपने बढ़िया बनाया है ना, मैंने बोल दिया तुम्हारे बिहाफ पे। ओके, सो दिस वॉज योर क्विक रिवीजन, 5 मिनट का, ऐसे क्विक रिवीजन अपने होते जाएंगे, डोंट वरी, अपने पास चार्ट पड़े, अपन ऐसे ऐसे क्विक रिवीजन्स करते जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह, टेक केयर।